बड़ी हंसी आ रही है क्या? देख रहे थे खिड़की में कब से खड़े होके? अरे वो अपनी नई पड़ोसन आई है ना ऋचा, उसकी बहन की शादी की तैयारी चल रही थी, वही देख रहा था। बहुत अच्छी सजावट हो रही है। हाँ हाँ, तुम्हारे सपने जो पूरे हो गए ना, बड़ी घूर घूर के ऐसे देख रहे थे, क्या चल रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस शादी का इंतजाम देख रहा था और सोच रहा हूँ काश हमारी भी शादी ऐसी होनी चाहिए था। Amazing! हाँ क्यों नहीं, अब तो तुम्हारी शादी की यादें तभी ताजा होती हैं जब पड़ोसन दिखती है। एक राज की बात बताऊं, मैंने उसी पड़ोसन से ना 5,000 रुपए उधार लिए हैं। 5,000? किसके लिए? पड़ोसन की शादी का जो जश्न मनाने का इरादा है ना तुम्हारा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उससे ही एडवांस ले लूं, इसलिए ले ली। और क्यों? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। गलत तो तुम समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगा पड़ोसन को देखने से बात बन जाएगी? ये 5,000 रुपए ना तुम्हें भारी पड़ने वाले हैं। ये तुम्हारा पड़ोसन देखने का जो शौक है ना, उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। और ये अब 5,000 रुपया जब भी तुम पड़ोसन को देखोगे ना, तो तुम्हारी आंखों के सामने अपने चुभेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा पड़ोसन देखने का नतीजा। मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी, लेकिन याद रखना, अब दोबारा कोशिश की ना पड़ोसन को देखने की, तो 5,000 की जगह 10,000 की चलान काटूंगी। अरे भाई, ये पड़ोसन की शादी से महंगा तो ये तुम्हारा देखना ही पड़ गया। ये तो सबक था तुम्हारे लिए, समझ गए ना? अपनी जो ये आंखें है ना, वो घर के अंदर रखना, वरना एक दिन क्या होगा, तुम्हारे सारे देव। हाँ हाँ, अब तो बस तुम ही हो पड़ोसन गई तेल लेने।